मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग इंटरनेशनल फाइनेंसिंग कंसेप्ट को समझेंगे। इंडिया में जो पैसा है वो एक तो इंडियन करेंसी में जनरेट किया जा सकता है, एक हम बाहर से भी फंड्स ले सकते हैं। तो जब हम बाहर से फंड्स लेते हैं तो वो हमें थोड़े सस्ते पड़ते हैं, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लैंडिंग बाहर के डॉलर रेटेड फंड्स में कम होती है। अब होता क्या है कि हम लोग डॉलर्स में फंड्स लेते हैं और अगर इन्फ्लेशंस या एक्सचेंज रेट में चेंज ना हो तो ये काफ़ी चीप फंडिंग होती है एज़ कम्पेयर टू लोकल फंडिंग। तो हम बाहर की फंडिंग कैसे कैसे ले सकते हैं, ये सब टॉपिक आज हम इसमें समझेंगे। चलिए पढ़ते हैं। इंटरनेशनल फाइनेंसिंग, द एसेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज़ टू रेज एंड यूटिलाइज द फंड रेज इफेक्टिवली। सो देयर आर वेरियस एवेन्यूज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू रेज फंड आइदर थ्रू इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज। द सोर्सेज ऑफ एक्सटर्नल इंक्लूड, नंबर वन, कॉमर्शियल बैंक लाइक डोमेस्टिक लोन, कॉमर्शियल बैंक ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सटेंड फॉरन करेंसी लोन ऑल्सो फॉर इंटरनेशनल ऑपरेशंस। तो आप जैसे इंडिया में बैंक से लोन लेते हैं, ऐसे इंडिया के बाहर के बैंकों से भी लोन ले सकते हैं। दूसरे हैं आपके डेवलपमेंट बैंक्स। Development banks offers long and medium term loans including foreign currency loans. Many agency at national level offer a number of concessions to foreign companies to invest within their country and to finance export from their countries. जैसे कि Exim Bank of USA है। फिर है discounting of trade bills. Trade bill की discounting आप जानते हैं, ये short term finance होती है। तो अगर आप यूरोप और एशियन कंट्रीज़ में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। फिर इंटरनेशनल एजेंसी, अ नंबर ऑफ इंटरनेशनल एजेंसी हैव बीन इमर्ज्ड ओवर द ईयर्स टू फाइनेंस इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस। द मोर नोटेबल एमंग्स आर आईएफसी, आईवीआरडी, एडीबी एंड आईएमएफ। ये चार इंटरनेशनल एजेंसीज हैं जिनके नाम दिए गए हैं। इसके बाद है इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट। इंटरनेशनल जैसे आपकी इंडिया में स्टॉक एक्सचेंज है, ऐसे नैसडेक चाइना के स्टॉक एक्सचेंज। इंटरनेशनल कैपिटल में मार्केट में जब आपने एंट्री करनी है तो आप इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट से कर सकते हैं, ठीक है। तो जिसमें है जैसे पढ़ते हैं इसको, टुडे मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग एमएनसी डिपेंड अपॉन साइजेबल बोरिंग इन रुपीज एज वेल एज इन फॉरन करेंसी। इन ऑर्डर टू कैटर द नीड्स ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट हैव स्प्रंग ऑल ओवर द ग्लोब सच एज इन लंदन। इन इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट द अवेलेबिलिटी ऑफ फॉरन करेंसी इज एश्योर्ड अंडर द फोर मेन सिस्टम, नंबर वन, यूरो करेंसी मार्केट, एक्सपोर्ट क्रेडिट फैसिलिटीज, बॉन्ड इश्यूज एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो इन चार कैटेगरी से हम लोग फंड्स को यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रेंड्स, जिसमें आता है ECB। ECB एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरिंग होती है। ECB आपने सुना भी होगा, नहीं सुना है तो समझ लीजिए। जैसे आपने बाहर से इंडिया में अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो आप बाहर के बैंकों से ECB करा सकते हैं। इसमें क्या है, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर या लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए या प्लांट एंड मशीनरी के लिए फंड्स आते हैं। चलिए पढ़ते हैं। ECB रेफर्स टू कॉमर्शियल लोन अवेल फ्रॉम नॉन रेजिडेंट लेंडर। नॉन रेजिडेंट का मतलब बाहर से, विद मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी ऑफ 3 ईयर्स। सो बोरोअर कैन रेज ECB थ्रू इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज सोर्सेज लाइक इंटरनेशनल बैंक, इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट और मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एक्सपोर्ट क्रेडिट एजेंसी, सप्लायर ऑफ इक्विपमेंट, फॉरन कोलोब्रेशन एंड फॉरन इक्विटी होल्डर्स। तो ECB में क्या होता है कि आप RBI से ला सकते हैं विदाउट रूट, अप्रूवल रूट से भी आता है और बिना अप्रूवल रूट्स के भी आता है। सो एक्सटर्नल कैन कॉमर्शियल बोरिंग कैन बी असेस्ड अंडर टू रूट्स, ऑटोमेटेड रूट एंड अप्रूवल रूट। अंडर द ऑटोमेटेड रूट देयर इज नो नीड टू टेक RBI गवर्नमेंट्स अप्रूवल्स, वेयर एज सच अप्रूवल इज नेसेसरी अंडर अप्रूवल रूट्स। सो कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट एंड NGO एंगेज्ड इन माइक्रो फाइनेंस एक्टिविटीज आर एलिजिबल फॉर दी ऑटोमेटिक रूट, वेयर एज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट एंड बैंक डीलिंग एक्सक्लूसिवली इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्सपोर्ट फाइनेंस एंड द वंस विच हैड पार्टिसिपेटेड इन द टेक्सटाइल एंड स्टील सेक्टर रिस्ट्रक्चर पैकेज आर अप्रूव्ड बाई द गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू टेक अप्रूवल रूट्स। फिर आते हैं यूरो बॉन्ड्स।
सो यूरो बॉन्ड्स क्या है? यूरो बॉन्ड्स आर द डेट्स इंस्ट्रूमेंट विच आर नॉट डिनोमिनेटेड इन द करेंसी ऑफ द कंट्री इन विच दे आर इशूड. सो मतलब जिस कंट्री के हैं उस कंट्री की करेंसी में नहीं होगा. जैसे ईएन डिनोमिनेटेड, ईएन नोट फ्लोटेड इन करेंसी जर्मनी. सच बॉन्ड आर जनरली इशूड इन अ बियरर फॉर्म रादर देन एज अ रजिस्टर्ड बॉन्ड एंड इन सच केसेज दे डू नॉट कंटेन द इन्वेस्टर नेम ऑफ द और द कंट्री ऑफ द ऑर्गेनाइज. दीज बॉन्ड्स आर एन अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन टू इन्वेस्टर सीकिंग प्राइवेसी. आपने एक मूवी आई थी, इस मूवी में जो सलमान खान की मूवी होती है जिसमें वो किक, उसमें जो वो हॉलैंड में जाके जो बॉन्ड्स लेते हैं ना वो यही बॉन्ड्स थे. वो 5,000 करोड़ के बॉन्ड होते हैं, उनमें कोई नाम नहीं होता पब्लिकली, इंटरनेशनली वो ट्रेड होते हैं. फिर आते हैं फॉरेन बॉन्ड. दीज आर द डेट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय फॉरेन कॉरपोरेशन बाय फॉरेन गवर्नमेंट. इंडियन गवर्नमेंट में होते हैं वो ट्रेजरी बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है ना. इसी तरीके से ये छोटे छोटे बॉन्ड्स हैं जिसे पढ़ सकते हैं आप, जैसे फ्लोटिंग रेट नोट बॉन्ड है. सो दीज आर इशूड अप टू 7 ईयर मैच्योरिटी. इंटरेस्ट रेट आर एडजस्ट टू रिफ्लेक्ट द प्रिवेलिंग एक्सचेंज रेट. यूरो कॉमर्शियल पेपर्स आर शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, लेस देन 1 ईयर के लिए होते हैं. फिर फॉरेन करेंसी ऑप्शंस, फॉरेन करेंसी फ्यूचर्स. यूरो कन्वर्टिबल बॉन्ड्स, अ कन्वर्टिबल बॉन्ड इज डेट इंस्ट्रूमेंट विच गिव्स द होल्डर ऑफ द बॉन्ड एन ऑप्शन टू कन्वर्ट द बॉन्ड इनटू प्री डिटरमाइंड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी. यूजुअली द प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर एट द टाइम ऑफ कन्वर्जन विल हैव प्रीमियम एलिमेंट. दीज बॉन्ड्स कैरीड अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इफ द इश्यूअर कंपनी सो डिजायर्ड मे ऑल्सो इंक्लूड अ कॉल ऑप्शन. तो यूरो कन्वर्टिबल बॉन्ड्स में बॉन्ड है लेकिन वो शेयर में कन्वर्ट किया जा सकता है. अब इसमें आते हैं ये ADR, GDR, ये इंस्टीट्यूट पूछता रहता है, आप एक बार समझ लीजिए. ADR, दीज आर सिक्योरिटीज ऑफर्ड बाई द नॉन यूएस कंपनी मेजर इंपॉर्टेंट है, हु वांट्स टू लिस्ट ऑन एनी ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज. अगर मान लीजिए रिलायंस को US में स्टॉक एक्सचेंज में अपने आप को लिस्ट कराना है तो वो आपकी ADR इशू करेगी. सो ईच ADR रिप्रेजेंट अ सर्टेन नंबर ऑफ कंपनीज रेगुलर शेयर्स. ADR अलाउ इन्वेस्टर टू बाय शेयर्स ऑफ दीज कंपनी विदाउट द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिंग डायरेक्टली इन द फॉरेन एक्सचेंज. ADR आर इशूड बाय एन अप्रूव्ड न्यूयॉर्क बैंक और ट्रस्ट कंपनी अगेंस्ट द डिपॉजिट ऑफ द ओरिजिनल शेयर. तो टेक्निकली रिलायंस अपने शेयर जाके उस बैंक में जमा, ओरिजिनल शेयर जमा कर देगी, उसके बदले में बैंक ADR इशू कर देगा, ठीक है जी. इसी के बाद अगला कॉन्सेप्ट इसमें आता है GDR का. सो GDR, दीज आर द निगोशियेबल सर्टिफिकेट हेल्ड इन द बैंक ऑफ वन कंट्री रिप्रेजेंटेटिंग स्पेसिफिक नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ अ स्टॉक ट्रेडेड ऑन द एक्सचेंज ऑफ अनदर कंट्री, ठीक है. ADR और GDR इंडियन सिनेरियोज में क्या है, ये आज की डेट में बहुत मार्केट में इम्पैक्ट इनका आ रहा है. सो फ्रेंड्स, ये हमारी फिर समरी है, इसको एक बार पढ़ लेते हैं जिससे आपको थोड़ा सा पता चलेगा. सो देयर आर सेवरल सोर्स ऑफ फाइनेंस, डेफिनेटली लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म्स. ऑल द फाइनेंशियल नीड मे बी ग्रुप्ड इनटू लॉन्ग टर्म टू शॉर्ट टर्म्स. दीज आर डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फंड्स टू मीट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नीड, बिल्कुल ठीक है. Another important source of long-term फाइनेंस is venture capital financing. हमने बताया था कि जब आप technically आप sound हैं लेकिन पैसा नहीं है तो initial पैसा लगाने के लिए venture capital funding होती है. Securitization is another important source of fund and it is process in which illiquid assets are pooled into marketable securities that can be sold to the investor. Leasing में हमने finance lease and operating lease समझा. सो फ्रेंड्स, इस लेक्चर का ऑब्जेक्टिव जो है वो सिर्फ ये है कि आपको एक ब्रीफ आइडिया हो जाए. पूरी थ्योरेटिकल तो आपको बुक से जो हम क्वेश्चन आंसर देंगे उसी से समझ में आएगा, ठीक है ना. उसको 2-3 बार जब आप एग्जांपल से समझेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा. बच्चे क्या करते हैं, पढ़ते नहीं हैं क्वेश्चन थ्योरी को और फिर उसके थॉट नोट्स में उन्हें थोड़ी सी दिक्कत आती है. इसलिए हम लोगों ने ये लेक्चर कंपाइल किया है जिससे आप एटलीस्ट थ्योरी को सुन तो लें, ठीक है. थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर पेशेंस हियरिंग. Good day.